आपको दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पर आधारित गुणनखंड करने के लिए ले चलता हूँ, है ना। इसलिए हमारे साथ आप अंत तक बना रहिए और जो भी नए नए व्यूअर देख रहे होंगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए हम ले चलते हैं। यहाँ देखिए 16 है ना, एक से है स्क्वायर है, 25 है बाई है स्क्वायर है, प्लस 40 एक्स वाई है ना। तो हम पहले इसको वर्ग करके देखते हैं, 4 चौ 16 यानी कि 4 एक्स स्क्वायर करते हैं तो 4 चौ 16 हो जाता है। उसी प्रकार से 25 5 बाई स्क्वायर करते हैं 25 हो जाता है। अच्छा, अब आइए दूसरे सूत्र से आया और एक मान कितना है बच्चों, तब 4 एक्स और बाई का मान कितना है, तो 5 बाई है ना, तो 5 और 20 और बिजुना 40 है ना। तो आपको क्या हो गया, देखिए 4 एक्स प्लस 5 बाई स्क्वायर है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 4 एक्स प्लस 5 बाई और फिर 4 एक्स प्लस 5 बाई आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से हम 25 एक्स स्क्वायर और 49 एक्स स्क्वायर पर हम फोकस डालते हैं कि ये भी वर्ग है कितना के, 5 के, पपचे 25 49 फिर दो सूत्र से आया और एक मान यहाँ 5 एक्स और बी के मान 7 बाई, ठीक है। तब देखो 7 में से 35 ना 70 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 5 एक्स प्लस के कितना 7 बाई बराबर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 एक्स प्लस 7 बाई और फिर यानी 5 एक्स प्लस 7 बाई। हाँ, तब समझते हो कि सवाल बढ़िया समझ रहे होंगे और परीक्षा में आने पर आप बढ़िया से बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल भी करके देखते हैं। यहाँ देखिए 64 है तो 8 64 एक्स है ना, और फिर 9 81 9 y। उसी प्रकार से दो सूत्र से आया और गुने 8 है ना, और गुने 9 y है ना। तो हम समझते हो कि भी सवाल समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ होगा 6 x प्लस के 9 y स्क्वायर, इसको हम दो मतलब लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 6 x प्लस 9 y और फिर 6 x प्लस के 9 y। तो हम समझते होंगे कि आप बढ़िया समझ गए होंगे, परीक्षा में आने पर इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो हम एक सवाल आपको लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सभी दोस्त। जय हिंद, जय भारत।